नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान पंचायती राज नरेगा भर्ती 2021 का ऑफिशियल जानकारी जो है आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जानकारी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। नरेगा में जो जेटीए के पदों पर भर्ती निकली हुई है आपकी, उसी की मैं बात करने वाला हूँ। कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखाकार के पदों के लिए, लेखा सहायक के पदों के लिए, तो यहाँ पर जेटीए की जो वैकेंसी है 373 पदों पर तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक की है और 365 पदों पर जो है आपकी लेखा सहायक की है। ये जानकारी मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर जिले का मैंने नोटिफिकेशन भी जारी किया था। दोबारा से प्रत्येक जिले का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आप सभी को दोबारा से फॉर्म भरना होगा, तो मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा। योग्यता में जो है, क्वालिफिकेशन में जो है चेंजेज किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। और इसमें न तो एग्जाम होगी और ना ही फीस ली जाएगी आपसे, और फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भरे जाएंगे। ये सारी जानकारी मैं पहले भी बता चुका हूँ। डिप्लोमा वालों के लिए खुशखबरी है एक बड़ी वाली, क्योंकि उनकी योग्यता और बीटेक वालों की योग्यता सेम कर दी गई है, मतलब 70% का जो है वेटेज रखा गया है। आपका इंतजार खत्म हुआ है। चलिए दोस्तों, आप ये जानकारी कहाँ से प्राप्त करोगे, तो जानकारी आप प्राप्त करोगे टेलीग्राम वगैरह से। तो आपको जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी आई एकेडमी से मिल जाएगी, जैसा कि पहले मिलती थी हर पीडीएफ हर जिले की। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और साथ में मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा। इस वेबसाइट में से आप पिछली जो भर्तियां निकली थी उनके भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखना वेबसाइट का नाम वगैरह सब कुछ। तो गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑल डेट और SHEET.IN। ये सर्च करोगे और आप सर्च कर देना। आप सर्च करते आपके सामने पूरी जो है आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट में सारी जानकारी आपको JTA से संबंधित मिल जाएगी, और भर्तियों की भी जानकारी जाननी है तो आप जान सकते हो। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान ग्राम पंचायत नरेगा 2021 मनरेगा भर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, भर्ती का पूरा मामला, ये क्या है पूरा, तो चलिए आपको बता देता हूँ। आज की अपडेट है दोस्तों 1 अप्रैल 2021 की। चलिए देखते हैं क्या है जानकारी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आज दिनांक 1 अप्रैल 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की तरफ से। हाई कोर्ट का फैसला सब कुछ आ चुका है, देखिएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के 738 रिक्त पदों के संविदा आधार पर नियोजन में एक रूपता बनाए रखने के उद्देश्य से तैयार की गई नई नीति के प्रारूप का प्रशासनिक अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी कि JTA 373 एवं लेखा सहायक के 365 पदों को संविदा से भरने के लिए सभी जिलों में एक रूपता बनाए रखी जा सकेगी, देखिएगा। और क्या है जानकारी, इस नीति के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के चयन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा सिविल इंजीनियरिंग में BBTEC है तो वो सभी जो है विद्यार्थी इसके पात्र होंगे, और शैक्षणिक योग्यता का जो है आपका जो 70% रखा जाएगा। कितना वेटेज है शैक्षणिक योग्यता का, 70%। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में कार्य का अनुभव रखने वाले संविदा कर्मियों को, यानी कि आपने यदि क्या कर रखा है, काम कर रखा है पहले, तो 20 अंक जो है गृह जिले के निवासियों को जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं, यानी कि उसी जिले का यदि विद्यार्थी है तो 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। लेखा सहायक के चयन की योग्यता में BA BCOM BSc के साथ कंप्यूटर डिग्री अथवा डिप्लोमा आवेदकों को अवसर प्रदान करने हुए शैक्षणिक योग्यता में 70% अंक राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय लेखा के अनुभव में, तो यहाँ पर 20 अंक दिए जाएंगे, गृह जिले के निवासी को 10 अंक। और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, इस स्वीकृति में प्रत्येक 6 ग्राम पंचायतों में एक JTA यानी कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक होगा और 10 ग्राम पंचायतों में एक लेखा सहायक उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सुगमता होगी। ये जानकारी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो, ये जानकारी अभी की है दोस्तों। मनरेगा के कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों के कुल 738 रिक्त पदों को नियोजन में एक रूपता के लिए नई नीति का किया अनुमोदन। नीति के अनुसार उक्त पदों को संविदा से भरने के लिए सभी जिलों में एक रूपता रखी जा सकेगी, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और आयु सीमा जो है इसके लिए 1 जनवरी 2021 के अनुसार 21 से 35 साल तक की रखी गई है, और ये जो है आप यहाँ पर JTA के लिए 13,000 रुपये दिए जाएंगे और इस प्रकार होगा, और इनके लिए जो लेखा सहायक है उनके लिए 8,000 रुपये दिए जाएंगे,
ये सारी जानकारी यहाँ पर है। और आप प्रत्येक ज़िले का देखना चाहते हो पिछली बार का, तो यहाँ देख सकते हो इतने ज़िलों का जो है निकाला गया था, वो सब ज़िलों की यहाँ पर PDF वगैरह है पिछले बार की। टेलीग्राम में जुड़ना है तो यहाँ पर भी डायरेक्ट लिंक दिया गया है, ये देख सकते हो, इससे जा करके आप जुड़ सकते हो। इस प्रकार ये सारी जानकारी आपको दी गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। आपका आभारी रहूँगा दोस्तों। और आपके लिए सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम में जो जितनी भी PDF आएगी दोस्तों ज़िले वाइज सारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। पहले भी आप सभी को पता होगा सारे ज़िलों की मैंने डाल दी थी, नहीं देखी आपने पिछले बार की देखना चाहते हो तो वो भी देख लेना, टेलीग्राम में पड़ी हुई है। आप सभी का स्वागत है, आप इस प्रकार बने रहिएगा।